हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल जयवाला जी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेस। इसके लिए मैंने ये देखिए ऊन ली है और ये लिया है मैंने 12 नंबर का क्रोशिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 12 चैन। बारह चैन बनाने के बाद 2 चैन और बनाएंगे और चौथी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। में एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 2 चैन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए। अगली चैन के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिया। एक चैन के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसे 6 में डिवाइड करेंगे, 6 चौका 24। और ये हमने 3 चैन बना ली है। अब एक चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 3 और 1 4, क्योंकि ये 2 चैन वाला 1 डबल क्रोशिया हो गया और 3 डबल क्रोशिया ये हो गए। अब 4 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4। पांचवी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। दो चार छ, ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें 4 चैन स्किप करनी है, 1 2 3 और 4। और पांचवी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर एक चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर से 2 चैन बनाएंगे और टर्न करेंगे। मेरे कान्हा जी की कमर छोटी है, इसलिए मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अगर आपके कान्हा जी की कमर लंबी है तो आप पूरा डबल क्रोशिया बनाइए। एक चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करते हुए राउंड कंप्लीट करूंगी। अब हमें स्लिप स्टिच से अटैच करना है।
अब चोली को हम अटैच कर लेंगे। ये जो हमने तीन चैन बनाई थी, तीसरी चैन के अंदर अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से और तीन चैन बनाएंगे। फिर से इसी चैन के अंदर जहाँ पे हमने तीन चैन बनाई है, यहीं पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे अगली चैन के अंदर। फिर से दो बार डबल क्रोशिया, इसी तरह से एक चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे तीसरी चैन के अंदर और तीन चैन बनाएंगे फिर से। और अब हमें एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए दो चार छः और सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद आठवें डबल क्रोशिया के अंदर हम एक चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से जहाँ पर हमें लगे कि हमारा घेरा खींच रहा है वहीं पर हम एक चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमें बिल्कुल फ्लैट राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। इसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे तीसरी चैन के अंदर और फिर से तीन चैन बनाएंगे अगली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर हम एक चैन के अंदर फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पांच पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद छठे चैन के अंदर एक बार दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन के अंदर और इसी तरह से हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और इसी सेम पैटर्न से आप जितना बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और तीसरी चैन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर लेंगे और तीन चैन बनाएंगे इसी चैन के अंदर। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीन बार डबल क्रोशिया होने के बाद तीसरी दो चैन स्किप करके तीसरी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे और फिर से तीन बार चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद फिर से डबल क्रोशिया इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से दो चैन स्किप करेंगे एक दो और तीसरी चैन के अंदर ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से तीन चैन। फिर से इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया और इसी तरह से तीन तीन डबल क्रोशिया को हम दो चैन स्किप करके तीसरी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच करते जाएंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब इसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे।
और धागा कट कर लेंगे यहीं पर। और इस धागे को पीछे सेट कर लेंगे। ये देखिए हमारे कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।